प्रस्तावित ऊर्जा शैक्षणिक पार्क अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा। ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने इस संदर्भ में प्रयास करने के निर्देश दिए। वे ऊर्जा पार्क के संदर्भ में आयोजित समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। बैठक में ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, महाजेनको के प्रबंधक निदेशक संजय खंडारे, ऊर्जा सह सचिव उद्धव वालुंज, नागपुर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण के आयुक्त मनोज कुमार सूर्यवंशी और आर्किटेक्ट अशोक मुखा मौजूद थे। राउत ने कहा कि प्रदेश के बजट में इस परियोजना की घोषणा हुई है। यह राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। देश के अन्य ऊर्जा विज्ञान पार्क का अवलोकन कर इस पार्क की सबसे हटकर डिजाइन तैयार करने के निर्देश उन्होंने दिए। छोटे से लेकर बड़े तक सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बनना चाहिए। ऊर्जा बचत का प्रभावी संदेश जाना चाहिए। यहाँ ताप बिजली केंद्र, पन बिजली, भूऔष्णिक सागर की लहरें परियोजना, बायोमास, बायोगैस आदि की जानकारी यहाँ उपलब्ध होगी। दिनेश वाघमारे गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के साथ साथ बैटरी से होने वाली ऊर्जा या बिजली पर चलने वाले वाहनों को भी पार्क में जगह देने की ऊर्जा मंत्री ने निर्देश दिए। खंडारी ने कहा कि बच्चों को हल्के फुल्के वातावरण में ज्ञान देने का प्रयास होना चाहिए। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसे, BC News नागपुर।